हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब एबी टेक भारत में स्वागत है। आज हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 का सिलेबस। चूंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पूर्व उसके सिलेबस को जान लेना एवं अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक होता है, इसलिए हम आज आप लोगों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है उसे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये रहा आप लोगों का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मेन गेट, महामना की यहाँ पर लगी हुई स्टैचू। तो यहाँ पर देखिए बीएचयू का सिलेबस है और सर्वप्रथम यहाँ पर मेंटल एबिलिटी रहता है। मेंटल एबिलिटी जो है कंपल्सरी फॉर ऑल होता है। मेंटल एबिलिटी 25 क्वेश्चन आते हैं और यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि कोई भी स्टूडेंट इस 25 क्वेश्चन को यदि तैयार कर लेता है तो बहुत ही आसान तरीके से तैयार भी कर सकता है और नंबर भी इसे उठाने में सहायता मिल सकती है। इसके बाद है यहाँ पर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कंपल्सरी फॉर ऑल होता है, यानी केमिस्ट्री के लिए 10th में वो बायो पढ़ा हो, मैथ पढ़ा हो या फिर एग्रीकल्चर, तीनों स्टूडेंट के लिए मेंटल एबिलिटी और कंपल्सरी रहता है तथा केमिस्ट्री भी कंपलसरी रहता है। और यहाँ पर एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन आता है। चूंकि यह एग्रीकल्चर जो है मैं एग्रीकल्चर के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, यह मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए भी होता है लेकिन यह सिर्फ मैं एग्रीकल्चर के लिए ही बना रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तो यह 50 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं। कुछ नोट्स बुक वगैरह या फिर कुछ टीचर की सहायता से इसे आप लोग तैयार कर सकते हैं। और जो है कि टोटल क्वेश्चन बीएचयू में 100 क्वेश्चन होते हैं तथा प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स से होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं पूर्णांक 300 का होता है। तो आइए हम अब एग्रीकल्चर के डिस्कशन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है जिसे आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर इसे अच्छे से नंबर को गेन कर सकते हैं। इसको हम आगे से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, इसके बाद है सॉइल साइंस, यानी कि मेजर तीन ही क्वेश्चन होते हैं, तीन ही चैप्टर होते हैं जिससे कि मेजर क्वेश्चन उठते हैं। और इसमें थोड़ा सा ये एनिमल हस्बेंड्री होता है जिसमें कि लैक्टेशन पीरियड मिल्क वगैरह थोड़ा सा पढ़ लिया जाता है तो उससे भी क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। तो और एक प्लांट पैथोलॉजी होता है, एक एंटोमोलॉजी होता है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, इकोनॉमिक्स तथा कुछ क्वेश्चन एग्रीकल्चर करंट क्वेश्चन से भी होते हैं तथा कुछ जनरल एग्रीकल्चर से भी होते हैं। तो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 12th में है और वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो वह इतना मुख्य रूप से फोकस करे जिससे कि लगभग लगभग 95 से 98% क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। इसके बाद देखिए एग्रोनॉमी में सीरियल्स क्रॉप पढ़ लेना है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, बाजरा हो गया। तो इस तरह से जितने भी क्रॉप होंगे सीरियल्स क्रॉप उससे आप लोगों को पढ़ लेना है। उसके बाद लेग्यूमिनस क्रॉप पढ़ लेना है, ऑयल सीड क्रॉप, फाइबर क्रॉप और फॉरेज और शुगर क्रॉप्स को भी देख लेना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर में देखिए कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, पात गोभी, ओनियन और गाट गोभी भी इम्पोर्टेंट है, गार्लिक है, रेडिश है, कैरेट है, पम्पकिन है, वाटर मिलन है, पी है। इसमें से मुख्य रूप से देखिए उसका बोटेनिकल नेम, ओरिजिन और कितने टेम्परेचर पर कौन सी फसल उगाई जाती है ये देख लेना है, और उसका बोटेनिकल नेम, ओरिजिन और उससे कौन सी न्यूट्रिएंट पाई जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इतना हॉर्टिकल्चर में देख लेंगे। पहला है कॉलीफ्लावर, कैबेज है, ओनियन है, गार्लिक है, रेडिश है, कैरेट है और पम्पकिन है, वाटर मिलोन है, पी है। और आगे देखते हैं कि स्वीट पोटैटो, मस्क मिलोन, चिली, ब्रिंजल, लेडी फिंगर टोमेटो, पोटैटो और ब्रिंजल है, यानी कि आप लोग इससे हॉर्टिकल्चर में ही इतना और पढ़ लेंगे। तो इतना पढ़ लेंगे तो लगभग लगभग मेजर हॉर्टिकल्चर आप लोगों का प्रिपरेशन हो जाएगा। और यहाँ पर है पोमोलॉजी, जो हॉर्टिकल्चर का ही एक ब्रांच है पोमोलॉजी, उसमें फल के बारे में पढ़ा जाता है। तो उसमें बनाना पढ़ लेंगे, एप्पल पढ़ लेंगे, लीची पढ़ लेंगे, बेर पढ़ लेंगे, मैंगो पढ़ लेंगे, गुआवा पढ़ लेंगे, लेमन पढ़ लेंगे और पपाया पढ़ लेंगे। चूंकि ये एक और इम्पोर्टेंट प्रकार की जो है पोमोलॉजी की फ्रूट्स हैं जो कि बीएचयू में मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में इडेफोलॉजी पढ़ लेना है और पेडोलॉजी पढ़ लेना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखिए है कि एग्रीकल्चर हिस्ट्री, यानी कि लगभग लगभग 7-8 क्वेश्चन एग्रीकल्चर हिस्ट्री के हैं जिससे थोड़ा सा
रिवीजन कर लेना है आप लोगों को। और इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म है, मतलब कि जैसे ICR हो गया, कुछ फेमस है जहाँ पर शोध अनुसंधान होते हैं, जैसे फिशरी ये कहाँ होती है, भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इस तरह से इंस्टीट्यूट के फुल फॉर्म और कहाँ पर वही सिचुएटेड है उसे आप लोगों को पढ़ लेना है। और यहाँ पर जनरल एग्रीकल्चर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जिससे कि दो चार क्वेश्चन उठते हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।